खंड शिक्षा अधिकारी की गुंडे। खंड शिक्षा अधिकारी कुदराहा की गुंडे सामने। चंदा ना देने पर अध्यापकों पर हुए खंड शिक्षा अधिकारी हुए फायर। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। बेसिक शिक्षा अधिकारी दृजीत प्रजापति बस्ती ने कहा, 3 सदस्य टीम से जांच कराकर जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बस्ती जिले में शिक्षा विभाग अक्सर चर्चे में अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहता है। वहीं बस्ती जिले के कुदराहा विकास खंड के शिक्षा अधिकारी धीरज त्रिपाठी का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी कुदराहा धीरेन्द्र त्रिपाठी द्वारा अध्यापकों को भड़काया जा रहा है, अपशब्द कहा जा रहा है। वहीं इस संबंध में शिक्षक नेता उदय शंकर शुक्ला के मोबाइल नंबर पर बात की गई तो उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खेल प्रतियोगिता के लिए स्कूलों पर चंदा लगाया गया था, चंदा न देने वाले अध्यापकों को बुलाकर BRC पर उनको डांट रहे थे और अपशब्द भी कह रहे थे। वहीं बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए अध्यापक कहां से चंदा दे, उसको तो अतिरिक्त कोई फंड नहीं मिलता। कहीं ना कहीं खंड शिक्षा अधिकारी धीरज त्रिपाठी अध्यापकों का अपशब्द कहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो चंदा ना देने पर भड़क गए खंड शिक्षा अधिकारी कुदराहा बस्ती। वहीं शिक्षक नेता उदय शंकर शुक्ला ने कहा, अगर खंड शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी कुदराहा द्वारा बार बार अध्यापकों को उत्पीड़न किया जाता है और उनसे पैसा वसूला जाता है जबरन। वही संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इंद्रजीत प्रजापति ने कहा कि यह पुराना मामला है, कुदराहा ब्लॉक का है और इसकी शिकायत हुई थी। शिकायती प्रार्थना पत्र पर हमने 3 सदस्य टीम लगाकर जांच कराई जा रही है, जांच रिपोर्ट आने पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह वीडियो जो वायरल अब हो रहा है, यह वीडियो पुराना है। वही इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र त्रिपाठी के मोबाइल नंबर पर फोन किया गया बात करने के लिए, पक्ष जानने के लिए, तो उन्होंने अपना नहीं उठाया। क्योंकि पहले लिखित शिकायत मिली थी, वीडियो कल वायरल हुआ, वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, रिपोर्ट हमारी आ गई है, अभी शाम तक उस पर कार्रवाई हुई है।